हेलो फ्रेंड्स। सो मैं एक रेडियो का वीडियो फिर लाया हूँ। इससे पहले मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ, सामने से अंदर का वीडियो आपको दिखाता हूँ। इसका DL225 आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो आएगा इसका, तो वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर से। सो मेरे जो नए दोस्त हैं उनको मोस्ट वेलकम है, पुराने दोस्तों का बहुत 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 धन्यवाद और दिल से धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं दोस्त। और आप लोगों के लिए फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रेडियो के अंदर का वीडियो ज़रूर मिलेगा, और कोई वीडियो मिले ना मिले तो आपको दिखाता हूँ अंदर से भी इसको, क्योंकि हम ओपन करने से रेडियो को डरते नहीं है। ओपन होना चाहिए रेडियो, दिखना चाहिए बंदे को जो चीज़ खरीद रहा है कोई कैसा है। ये देखो दोस्तों, अंदर से भी देखो रेडियो, प्रॉपर रेडियो एकदम ओरिजिनल, ओरिजिनल स्पीकर, ओरिजिनल IC फिलिप्स का, ये वाला IC, ये इसका डाइवर्ट रेजिस्टेंस ओरिजिनल, IF वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल, तीन बैंड सिलेक्टर का ये बैंड सिलेक्टर लगा हुआ है, साथ में गेन के पास जो लगा होता है एक प्लास्टिक सी ये लगी है, ये इसका IF है ना, एक्सीलेटर कोयल है मीडियम शॉर्ट वेव का, ये मीडियम वेव का नहीं है, ये शॉर्ट वेव का ट्रिमर लगा हुआ है फाइन ट्यूनिंग के लिए, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए मीडियम वेव का, और एक्सीलेटर कोयल को अगर इससे नहीं काम करना है तो इससे भी कर सकते हो, चैनल को एडजस्टमेंट इसको नहीं, इसमें कोई पैचकस नहीं लगाना गलती से भी, ये मत छूना, इससे कर सकते हो आप आगे पीछे चैनल बड़े आराम से। ओरिजिनल फिलिप्स की ब्रांडिंग की हुई है, स्पीकर ओरिजिनल लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल रेडियो है पूरा प्रॉपर। देखो पूरा चमकदार प्लेट है। और किसी किसी रेडियो में क्या होता है दोस्तों कि हमारा रेडियो ऑन होता है, चैनल चलते भी हैं, लेकिन चैनल क्या होते हैं कि एक कोने में आ रहे हैं दूसरे कोने में नहीं आते। और ज़्यादातर फ़िलिप्स के DL384 हुआ, जवान FM हुआ, या DL225 हुआ, DL225 में मैंने कोई प्रॉब्लम देखी नहीं अभी तक जितने भी रेडियो आए हैं। 184 में, 384 में शायद प्रॉब्लम देखी है, चैम्पियन में देखी है कि हमारा एक्सीलेटर कोयल भी ओके होता है, गेंग भी ओके होती है, और फिर भी हमारे चैनल जो है ना प्रॉपर नहीं आते, ना शॉर्ट वेव के आते हैं, मीडियम वेव के भी नहीं आते और FM के भी नहीं आते। बंदा पोजिशन में क्या सोचता है कि शायद हमारा गेंग ख़राब है, लेकिन गेंग इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, 80% केस में गेंग ख़राब निकलता ही नहीं है, सिर्फ 20% केस ऐसे होंगे जिसमें गेंग ख़राब निकलता है, लेकिन 80% में बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हम गेंग भी चेंज कर दिया और हमारा चैनल फिर भी नहीं प्रॉपर आ रहा है, चैनल लगता है फिर छोड़ देता है, इसी तरह FM पे चैनल ट्यून किया फिर छोड़ देता है, उसी तरह हमें शॉर्ट वेव का चैनल मिल रहा है फिर वो भी छोड़ देता है। तो ऐसे में बंदा क्या सोचता है कि चलो हमारा ये गेंग ख़राब हो गया, चलो इसको हम चेंज करते हैं, लेकिन इन केस वो चीज़ ना है, होती नहीं है रियलिटी में, गेंग हमारा ख़राब होता ही नहीं है इतनी जल्दी रेडियो का। ख़राब होता है हमारा ये IC, ये देखो यहाँ पर जो फ्लिप्स का IC है, पुराने रेडियो जब हो जाते हैं तो IC ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये देखो ओरिजिनल कंपनी, ओरिजिनल फ्लिप्स का IC लगा हुआ है, और इस पर नंबर भी शायद अभी क्लोजली अगर मैं देखूँ जा करके नज़दीक इसके, शायद आपको इसमें भी दिखाई दे जाए, मुझे तो खैर इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि शायद आप देख लो कहीं ना कहीं से। एक मिनट होल्ड, चलो मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, अभी थोड़ा लाइट पड़ रही है उसके ऊपर शायद नहीं इसलिए चमक, हाँ आ गया सामने, ये है 5740 TBA 5740, हाँ ये IC नंबर है इसका। ये IC हमारा जब वीक हो जाता है तो हमारे रेडियो के सिग्नल जो है ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये वीक हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, वीक हो जाता है, कई बार बिल्कुल ख़त्म होगा तो फिर चैनल तो बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, अगर वीक होगा तो फिर थोड़ा सा टाइम के बाद बिल्कुल ही, जब ही हमारा वीक हो जाता है ये IC ये वाला, तो इसके अंदर जो होता है हमारा सिग्नल जनरेटर भी इसी के अंदर होता है ज़्यादातर, अगर ये वीक हुआ तो हमारे सिग्नल बिगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, चैनल आएंगे छोड़ देगा, कभी एक साइड में पकड़ने स्टार्ट कर देगा, कभी दूसरी साइड पकड़ने स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे में क्या सोचता बंदा गेंग ख़राब है, लेकिन ये ज़्यादातर केस में ये ख़राब होता है, ये वाला IC गेंग हमारा ओके होता है, कभी भी आप देखना किसी रेडियो में, ये रियलिटी है। और कई बार हमारा पूरा रेडियो ओके होता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन इसकी एक पिन हटी होती है ये वाली कोयल की, तब भी हमारा आवाज़ आएगा सर के, लेकिन स्टेशन नहीं आएगा, और कई बार इसकी वजह से भी आवाज़ डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा अगर ये वीक होगी,
हाँ तो ये शॉर्ट वेव की, लेकिन इसके साथ इसका मीडियम वेव भी जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, ट्रांजिस्टर रेडियो में तो होता है, इसी के बेस पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन आईसी वाले को मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ इसके विषय में। तो ट्रांजिस्टर रेडियो में तो ये काम करता है उसी तरह, ट्रांजिस्टर रेडियो में अगर ये वीक रहेगा तो नहीं आवाज़ आएगा। आईसी रेडियो में तो खैर इतना मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर का तो है अनुभव, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रोड देखने में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके ऑक्सीलेटर कोइल की लेंथ के हिसाब से ये बनाया गया है, बहुत बढ़िया वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग कर रही है। चाहे इसमें आप एक ब्लांक का और डाल लगा दो तब भी उतना ही वर्किंग करेगा, ये वाला भी उतना ही वर्किंग कर रहा है, क्योंकि जितनी ऑक्सीलेटर की कोइल की लेंथ है उसी हिसाब से ये बनाया गया है, क्योंकि इसकी लेंथ के हिसाब से ये बनता है। तो बताइए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं, और नए दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरे चैनल पे आप आए और थोड़ा टाइम दिया मेरे को भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।